हेलो फ्रेंड, राधे राधे। मैं प्रिया आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, सुबह के 6 बज चुके हैं और 6 बजे से जब अपना हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं तो मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है। रात में थोड़ी सी बारिश हुई थी तो मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है, तो ही हम अपने बगिया में ऐसे ही टहलने रहे हैं और सोचा आप लोग से थोड़ी बात भी कर लें। तो फ्रेंड, मौसम में काफ़ी अच्छा है, ठंडापन थोड़ा सा हुआ है बारिश होने के बाद, लेकिन जब धूप होगा तो हाल हो जाएगा और भी बुरा। तो बस वही, फिर चलते हैं अपना रूटीन। हमारा चाय हो गया है, चाय पानी हमने पी लिया है सुबह सुबह, तो आप लोग का भी चाय पानी हो गया होगा। तो बस फ्रेंड वही हम चलते हैं अपने रूटीन की तरफ। और हमारे वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करके देखिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा आप सभी लोग। अच्छा लगता है बाहर का मौसम, सुबह उठकर बहुत ही प्यारा लगता है नज़ारा। और हम सोचे थोड़ा सा हम टहल लें सुबह सुबह। आज हम थोड़ा सा लेट भी हो गए थे फ्रेंड, जैसे कि हम ना उठ जाते हैं 5 बजे, लेकिन आज हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, उठ नहीं पाए थे हम इस चक्कर से। सुबह सुबह लगता है कि और सोने को मिल जाए, वही तो हम सो गए थे। तब चलते हैं, जैसे हमारी बगिया तो आप लोग को पता ही है, लेकिन इतनी धूप होने के कारण बीही के भी बिल्कुल पेड़ हमारे सूख चुके हैं, क्योंकि इतना अच्छा हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था अच्छा। और कल तो बंदर आ गए थे इस बगीचे में, इतना उद्धम किए पपीता, जैसे कि आप लोग देखे भी होंगे पपीता हमारा ये खड़ा हुआ था, बिल्कुल पपीता को बिल्कुल तोड़ दिए पेड़ को भी ऐसे ही। बहुत परेशान करते हैं बंदर, लेकिन उन लोग भी क्या करें, कहाँ जाएँ। ऐसे इस समय का है जो पेड़ पौधों में फल फूल ना होने के कारण उन लोग को भी तो भूख लगती होगी, लेकिन बहुत उधम मचाए थे कल आकर, बहुत ज़्यादा फूल बिल्कुल से सब हिला दिए हैं पेड़ पौधों, बहुत ज़्यादा परेशान किए थे। घर पे भी कोई नहीं था और बहुत आतंक मचा दिए थे। ये सब बातें हैं फ्रेंड, तो आप लोग हमारे वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा। लोग चलते हैं अब अपना, फटाफट करते हैं रूटीन कंप्लीट और फिर चलते हैं किचन में। किचन में भी चलेंगे और किचन में कुछ खास वीडियो के साथ। हमारा हो गया सारा काम कंप्लीट, रूटीन हो गई मेरी कंप्लीट, झाड़ू पोछा सब कुछ काम मेरा हो चुका है। और हमने जैसे कि मंदिर का पूजा पाठ भी हमारा हो चुका है, और ये सब कुछ करने के बाद अब हमारा समय हो गया है किचन में आने का। चलिए चलते हैं किचन में। आज हम जा रहे हैं करेले की सब्जी बनाने एक नए तरीके से, तो प्लीज़ हमारे वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। देखिए हम न्यू तरीके से एक रेसिपी लेकर आए हैं करेले की सब्जी, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और इसे बच्चे बड़े सभी बड़े ही पसंद से खाते हैं, क्योंकि कड़वा नहीं लगता है फ्रेंड। तो हमारे वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा। तो करेले को फ्रेंड हमने धोकर अच्छे से साइड साइड से कट कर लिया है, और कट करने के बाद इसको हम गोल गोल सा सेप देंगे। तो करेले को फ्रेंड हम ऐसे गोल गोल सा काट लेंगे, छिलका नहीं उतारेंगे इसका, ऐसे सारे करेले को गोल गोल सा ऐसे काट के रख लेंगे। ऐसे सारे करेले को हमने गोल गोल सा सेप से काट लिया फ्रेंड। ये देखिए काट के जो बीजा था, हमने बीजा भी इसका अलग कर दिया है, क्योंकि बीजा अच्छा नहीं लगता है, तो बीजा हमने अलग कर दिया है। वैसे ये मुलायम सा करेला था, इसमें बीजा उतना नहीं था। तो इसमें हम डालेंगे फ्रेंड पहले, सबसे पहले बेसन इसमें हमने डाल दिया, अच्छा दो भर के बेसन। यदि कम लगे तो थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं इसमें। तो इसमें हमने डाला बेसन, और सबसे पहले क्या ज़रूरी है, स्वाद अनुसार नमक, हमने नमक लिया स्वाद अनुसार। इसमें आपको कम बेसी करना अपने हिसाब से कर रखिएगा नमक। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें आधी चम्मच के आसपास हल्दी, उसके बाद हम डालेंगे इसमें ज़्यादा नहीं थोड़ा सा धना पिसा, और इसमें चाट मसाला गरम मसाला भी डालेंगे आधा आधा चम्मच के, आधा चम्मच हमने डाल दिया, और हमने चाट मसाला भी डाला इसमें, दोनों मिक्स करके गरम मसाला चाट मसाला हमने मिक्स करके डाल दिया। यदि चाट मसाला आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पर अमचूर भी पाउडर डाल सकते हैं हम।
तो हमने ये डाल लिया। अब इसको हम हल्का पानी से सींचेंगे, हल्का सा सींचने के बाद, और इसमें थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर है कलर वाला हमारा है, ये भी डाल देते हैं थोड़ा सा, अच्छा लगता है ये। हल्का सा पानी सींचें, ज़्यादा नहीं। देखिए पास से आपको हम दिखा रहे हैं, ऐसे हो जाएगा। यदि आपको लगे बेसन कम तो थोड़ा सा बेसन आप ऊपर से और भी डाल सकते हैं, जैसे हमें लग रहा था थोड़ा सा बेसन कम है। पानी ज़्यादा इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, सिर्फ हल्का सा सींचना है, क्योंकि इसे हमें फ्राई करना है। तो हमने ना कढ़ाई चढ़ा दिया है और तेल डाल दिया, गैस ऑन कर दिया है। तो तेल हमारा हो चुका है गर्म, तो हम क्या करेंगे, ये जो करेला रखा है हमने इसको फ्राई करेंगे। तेल को ज़्यादा गर्म होना चाहिए, तेल तेज रहेगा तो बहुत अच्छा फ्राई होगा ये। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। कड़वापन बिल्कुल नहीं रहेगा इसमें सब्जी में। इसको चाहिएगा तो आप सभी लोग चटनी के साथ भी खा सकते हैं, मतलब एक भजिया जैसा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है इसका खाने का स्वाद, बहुत ही टेस्टी बनकर आता है। अच्छे से देखिए फ्राई हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेंगे। ऐसे बाकी के सारे करेले हम फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड हमारा करेले की सब्जी बनके हो गया है रेडी, कैसा लगा आप सभी लोग को प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत ही कुरकुरी देखिए आवाज़, ये देखिए बहुत ही कुरकुरी करेले की सब्जी बनके हुई है रेडी। आप लोग को सब्जी हमारी कैसी लगी है करेला वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, कमेंट बॉक्स में बताइएगा करेले की सब्जी कैसी लगी आप लोग को। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए आप लोग, मेरी वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ फुल वॉच करके देखिए आप सभी लोग। और इसी के साथ वीडियो करते हैं बंद, फिर एक न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए बाय फ्रेंड।